जाना थोड़ी देर। अरे इस बार बड़े वाले लेने हैं मैंने। ओए हट जाओ तारी। क्या करने लगा तू? वो चाचा मेरी घर के सबसे बड़ी है ना, इसे उनको आरती देने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुझे, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। आराम कर रही है, आराम करने दे। और तुम लोगों की ना पूजा हो गई, बस जाओ आप अपने घर, चलो कार जाओ। इसकी तो मैंने ना मन्नू, तूने तूने तेल डाल दिया था माचिस पे। मन्नू, तूने कितनी चालाकी से मम्मी के हाथों से दिया जलवा दिया। शाबाश मन्नू। अम्मा, बीजी की आवाज, मम्मी का नाम ये उन्होंने। ओए, हट जाओ तारी। कहाँ जा रहा है इतनी रात? मम्मी, आज शाम को ना मैंने पीजी की आवाज सुनी, जैसे कि वो आपको पुकार रही हूँ। लेकिन चाचा ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जब मैं आरती देने गया ना उनको, तो उन्होंने फिर से टोक दिया। मम्मी, मुझको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं घर जाके बीजी को देखकर आता हूँ। मैं अभी गया अभी आया। मन्नू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेबी कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? और अगर तुझे जगन ने देख लिया ना, तो और भी गड़बड़ हो जानी है। तू रुक, मैं जाकर आती हूँ। मम्मी, आप सो जाओ, मैं चला जाता हूँ। आप कुछ नहीं भूल पाओगे, लेकिन मैं तो उस घर में काम करता हूँ ना। मनु, कैसे सो जाऊं? कैसे चैन मिलेगा मुझे तेरे बगैर? शाबाश, ये है शेर पवनिया। और इसी ने मेरे बच्चे का दिमाग खराब किया है। सुखी का माफी मांग चाची से अभी। ओ शायो, समझी? शाह कभी माफी नहीं मांगते। खबरदार जो हाथ लगाया उसको। Thank you.
क्या बात, पगड़ी कलगी, वैसी कलगी तो मेरे पास भी है। अरे हाँ याद आया, अरे वो तो तुम्हारे यहाँ के शाह की कलगी है जो तूने हाजवाओं को खुद भेजी थी। अपनी परजाई के दामन पर दाग लगाकर अब तू ये नकली लगाकर घूम रहा है। नकली शाह ते नकली कलगी, चल गड्डी आता या पहले मैं आता। सुनो ए, तूने अभी जिगरा नहीं देखा पवनियों का। एकदम असली गड्डी लगानी है, है? लगा ले, अंदर तो जीतना मैं नहीं है, यहां भी हार जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लगा ले गड्डी अच्छा। सुनने में आया कि जो तेरा दिल है वो तूने अपनी बीवी के पल्लू से बांध लिया है, और जो जिगरा है वो सासू माँ के आने के बाद प्लांचे मारने लगा। हाय रे हाय, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। ससुरालियों के रहम करम पर पल रहा है जगन बबनिया। तो अब समय आ गया है कि इस फैक्ट्री के टेंडर को खोलने के लिए, और जिस फाइल ने ये टेंडर जीता है उस फाइल की संख्या नंबर है 412, श्री जगन पवनिया। सिर्फ एक रुपए से इन्होंने ये टेंडर हासिल किया है, मुबारक हो। नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? टेंडर को तो खारिज होना था ना। और जिस फाइल ने ये टेंडर जीता है उस फाइल की संख्या नंबर है 412, श्री जगन पवनिया। आज झूम ले जगन पवनिया, मर्द का बच्चा क्या कर सकता है, ये तुझे दिखाऊंगा। अंबा पवनिया, जो इल्जाम तूने अंबा पे लगाया था ना उसे सच साबित कर दूंगा। पवनियों के धंधे पे उसका साइन चलता है ना, ऐसा हाल करूंगा तो उसके सारे साइन मेरे हक में हो। तेरा दांव उल्टा पड़ गया जगन पवनिया, उंगलियों पे नचाऊंगा उसे, उंगलियों पे, फिर देख कैसे तेरे दिन थर जाते। मनु सेठ, अरे शाबाश है शेरा, आज तेरी वजह से जीते टेंडर हम। खुश हो जाओ, है क्या कर रहा हूं खड़े खड़े। ले ले डाटांगा नी, ले ले पुत, मेहनत की कमाई अपनी तेरी है ना नानी प्यार से, चल। और मन्नू मुझे मिलता ना मैं झट से ले लेता। ओए ले ले, कौन सा तू वड्डा शाह रह गया है, शाहों से ले रहा है, ले ले। का हुआ बेटा, हम भीख थोड़े दे रहे हैं, ये तो तुम्हारा मेहनत की कमाई है ना। हाँ 100 रुपया से तुम बहुत कुछ कर पाएगा, जरा देखो तो अपने बहनों को। ले लो 7 बास बेटा। अरे डॉल काहे बंद किए, बजाओ भाई।
तुझे क्या लगता है तू हर बार जो करेगी वो बिल्कुल ठीक बैठेगा? हर बार तीर निशाने पर ही लगेगा, तू कभी नहीं हारेगी। ऐसा नहीं होता है प्रीत, अपने दुश्मन को, सामने वाले को कभी भी कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है। शाह बनना आसान नहीं होता, जीत में सब साथ होते हैं, सब अच्छा लगता है। असली शाह लेकिन वो होते हैं जो हार को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी की फतेह को। जैसे कि तेरे पापा थे, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आ जाए ना, अपनों का भी साथ छूट जाए ना, इसलिए अब मैं फिर लड़ूंगा मम्मी। हम गिरे जरूर हैं, पर टूट के बिखरे नहीं है, हमने लड़ाई हारी है, जंग तो अभी बाकी है। मनु बेटा, वाह बेटा, शाबाश बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो। देखना आप तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, अभी जाके तुम्हारे चाचा से। बस नानी। अब आनी, बहुत मदद कर ली आपने। अब आनी, क्योंकि हम समझ गए कि आपके उपकारों के चलते ही आज हम यहाँ हैं। पर बउआ, चाहकर भी खुद को नहीं ना रोक पाएंगे हम। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे तुम लोगों के लिए। नानी, आपने झूठ बोलकर बहुत मदद कर ली हमारी। अब देखिए, मैं दिखाऊंगा कैसे झूठ को उसकी हद तक पहुंचाया जाता है। आपको आपके सबसे बड़े हथियार से ही मार दूंगा मैं। अभी तो बहुत मदद बाकी है तुम्हारी। कहा है कि अब तो फंस गए हो ना सुशीला की लीला में, अब बचना मुश्किल है रे बउआ। राष्ट्र ऐसा क्यों कर रहे हैं बताना। तू ऐसा कैसे कर सकता है मन्नू? धोखा दिया है तूने मुझे, फाइल चुरा कर अपने चाचा जी को जीता दिया। पापा जी ठीक कहते हैं, अगर सांप और पवनिया एक साथ हो तो पहले पवनियों को मारना, बाद में जहरीले सांप को। आज तेरी वजह से मेरे पापा हार गए, तेरी वजह से पापा फिर हम सबको मारने वाले थे, समझ रहे कुछ? से गलती होगी राज, माफ कर दे, सब बिगड़ गया, तेरे साथ भी गड़बड़ हुई है, मेरे बाबा का सपना अधूरा रह गया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, सच्ची। पता है राज, मेरी सुशीला नानी है ना, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छी है, मेरी मदद करेंगी, लेकिन उन्होंने भी मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे चाचा जीते, मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि तेरे पापा जीते। पता है राज, अगर ये फैक्ट्रियां बंद गई ना तो ना ही गांव में उपजाऊ जमीन रहेगी, ना ही साफ पीने का पानी, पूरे गांव का बहुत नुकसान होगा, और मेरे पापा जी का सपना टूट गया राज।
इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। माफ कर दे यार। कोई गंदा नहीं है, ना तू गंदा है ना मैं गंदा हूं। पता है कौन गंदा है? गंदे वो है भगवान जी, गंदे है वो। ओए ऊपर वाले से डर के बड़प्पन दिखा के तूने क्या हासिल कर लिया? हालत देखी है अपनी? अभी तो सरकार का दरवाजा गया है, कल को अगर सर के ऊपर से छत निकल जाएगी तो कहां अपनी जवान बच्चियों को लेकर लूर लूर भटकेगी। सर से छत चली जाए, खाने को दाना ना मिले, रास्ते में भीख भी मांगनी पड़े ना और धक्के भी पड़े ना, तो भी ये हक तेरे नाम नहीं करूंगी जाना कभी। ठीक है, नहीं करेगी तो दस्तखत। ठीक है, मर तू अपने बच्चों को लेकर यहां नहीं रहेगी अब तो। अब इस घर में नहीं रहेगी, इस छत के नीचे नहीं रहेगी तू। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चल निकल यहां से सब के सब। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। लेके जाओ अपने पिल्लों को बाहर, निकलो बाहर। अच्छा मन्नू, सिम्मी, गुंजन, सामान बस्ते में बांधो और निकलो यहां से। बांध ले बस्ते। मारो इन्हें, यही है जिन्होंने गांव को दांव भी लगा के रखा है। तुम लोगों ने किया ना, हमारे खेतों को बर्बाद करना चाहते हो? तुम हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये बाजवाओं के लोग हैं। आप लोग बाजवाओं के शाह के पास क्यों नहीं जाते? उन्होंने भी तो टेंडर भरा था ना। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये सब जगन मोहनियों का कारोबार तुम्हारे नाम से चलता है ना, हमें बेवकूफ बना रही हो। मारो ने, मारो। किसी ने पत्थर फेंका ना तो मार दूंगा। अरे बच्चे से क्या डर रहे हो तुम लोग? निकालो इसे, बाहर करो। हिम्मत है तो बढ़ो आगे, बढ़ो ना। अब क्या हुआ? मुझे मेरी मम्मी की कसम, एक केक को काट के रख दूंगा मैं। मुझे मेरी मम्मी की कसम, एक केक को काट के रख दूंगा मैं।
अभी भी वक्त है पर जाएगी। और कार दे इस पे दस्तखत, अकेले कैसे संभालेगी इन सब को? एक बारी दस्तखत कर दिए ना, तू देख कैसे इन साले बाजुओं को मैं एक एक करके यहां से निकालता हूं। पर जाइए, ये वो परेशान कर रही है अपने बच्चों को, खुद को। कर दे दस्तखत, रहना आराम से घर के अंदर। चाचा, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करी। और आप देख, हम वापस घर जरूर जाएंगे उसी इज्जत के साथ। ये मेरा वादा है आपसे। सुनिए जी, कहाँ चले गए? चाय ठंडी हो गई है। ओ आ रहा हूँ भाई, इंजेक्शन लगा के आता हूँ। क्या हुआ? पीजी, पीजी, आपको तो होश आ गया था ना? पीजी, पीजी, ये क्या हुआ? अभी तो पीजी को होश आ रहा था, और अगर पीजी को होश आ रहा था तो सुई देने के बाद टॉर्च लग जाना था। फिर सुई लगते ही पीजी बेहोश कैसे हो गई? कहीं सुई की वजह से ही तो नहीं पीजी बेहोश हो गई? सस्रीकल। सत श्री अकाल। अरे अंबा पवनिया, हमारे गरीब खाने पर कितने सालों बाद देख रहा हूं मैं, कैसे आना हुआ? बैठो बैठो। वो आपसे क्या छिपाना? छिपा तो किसी से नहीं है, मेरे और जगन के बीच छोड़िए वो सब। आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुछ काम होगा आपके पास, बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? मत, मैं कोई पराया थोड़ी हूं। मैं तुम्हें तब से जानता हूं तुम ब्याह के इस गांव में आई थी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम चाहो तो उधार ले लो और कल से आ जाना। ये लो। देखो मैं कितना बड़ा जोखिम उठा रहा हूं ना, तुम्हारी मदद करके तुम भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है अच्छा काम करोगी, मुझे खुश रखोगी तो दोनों का भला होगा ना।
अरे की होया जी? अंबा तू इत्थे? तू इत्थे की कर रही है? मजबूर थी, काम मांगने आई थी। काम देने के बजाय सेठ जी को कुछ और ही सोच रहा है। अरे भलाई तो करनी नहीं चाहिए किसी की। शर्म नाम की चीज है आपको? क्या कहा था जब मेरी शादी होकर आई थी? मैं तब से जानते हैं मुझे, तब भी इतनी हिम्मत बढ़ गई आपकी? जिस छन्नी दे विच 72 छेद होण ना, वो हांडे विच चेकने भी खाया कर दे। अरे भाई लोगो वेखो तो किदा मेरे शरीफ घर वाले ते इल्जाम लगा रही है। अरे पूरा पिंड जानदा है तू की गुल खिलाए ने। खुद ते बच्चे लन औरत है, अपनी सास नु जान लाल मारने की कोशिश की, वो भी उस पराए मरदे लई। अरे जा जा किते होर जाके मुंह काला कर, एथे तेरी दाल नहीं गलन वाली। छी छी, अरे शर्म ते आंदी नहीं, हजे तक पिंड विच पाई है, इन्नी छिछले दर है ये, खुद के गिरेबान ते चाती मार दी नहीं तो दूजा ते उंगल चोक दी है।